हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग यू थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हमारे कौन से कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट वी हैव टू यूज़ ट्रिगो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं तो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड देन वी हैव अ पोपेंडिकुलर एंड द थर्ड वन इज बेस अब इन दिनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इट इज़ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू तो पोपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो येस दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल अब हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं साइन हो गया कॉस हो गया टैन हो गया कॉट हो गया कॉसैक हो गया सेक हो गया तो ये कैसे डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पे वो भी देख लेते हैं एक बार सो लेट से दिस इज़ माई एंगल थी और इसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेग है बस इसको आप याद कर लो अपने दिमाग में फटाफट से आपको पता चल जाएगा साइन क्या है कॉज क्या है टैन क्या है वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर पेंटेड ब्लैक सो अब देखते हैं कि इससे हम अपने फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट कर सकते हैं सो लेट्स से आपको लिखना है साइन थीडा का फॉर्मूला सो साइन थीडा विल बी डिपेंडेंट ऑन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस सो इट इज ओवर एच कॉस थीटा यहाँ से आएगा कर्ली वाले से सो इट इज बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनियस देन वी हैव द लास्ट वन विच इज टन थीटा टैन थीटा किस पर डिपेंड करेगा इट विल डिपेंड ऑन दिस एंड दिस विच विल बी इक्वल टू पी ओवर बी मतलब पर्पेंडिकुलर ओवर बेस सो दिस इज द फॉर्मूला दिस आर द फार्मूलाज दैट वी गेट फ्रॉम दिस सेग ठीक है अब साइन थीटा के ऑपोजिट क्या होता है आप लोगों को पता ही है इट इज कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका इट विल बी एच ओ वो पी और कॉस थीटा का अगर निकालना चाहते हो ऑपोजिट सो वी नो इट इज सेक थीटा सेक थीटा विल बी एच ओ वो बी टैन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है इट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर पी बस का बस सबका हमने क्या करा है वी हैव टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ़ ईच वन ऑफ दैम अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि हमारे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करे जा सकते हैं एक है आपका न्यू विच इज आइडेंटिटीज सो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हाउ दे आर रिलेटेड सबसे पहली आइडेंटिटी जो बहुत मोस्ट कॉमन है हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है इट इज़ साइंस स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन देन अदर इज ट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए दैन वी हैव द थर्ड वन विच इज कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कॉ सेक्स स्क्वायर है सो यस दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज विच यू कैन यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री नाउ देअर आर सम रिलेशन दैट आर बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि एक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा विच इज टन धीटा टन थीटा किसके इक्वल होता है? इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है ना टैन थीटा क्या सो हाउ वी कैन राइट दैट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा अब वी हैव द अदर वन एस साइन ए विल बी रिटर्न एस वन ओवर कॉस से और रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो इसी तरह देन वी हैव कॉस एंड कॉस इज ऑफ से ठीक है और लास्ट आपका मैंने लिखी दिया टैन थीटा का और टैन थीटा का एक और हो सकता है इट कैन बी वन बाय कॉट थीटा सो यस दीज ऑल आर द फॉर्मुलाज विच आर रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और यस yes, टेबल की भी एक टेक्निक होती है याद करने की अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नहीं पता और आई कैन ट्राई टू मेक दैट वीडियो वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल थैंक यू फॉर वॉचिंग अ ग्रेट डे